गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मंदिर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शासन से जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसके लिए लगातार कार्यवाही चल रही है और पूरे जनपद में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है तथा हर पहलुओं पर अधिकारियों के साथ बात करके कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही मंदिर में आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई अराजक तत्व मंदिर में प्रवेश न कर पाए। मंदिर सुरक्षा में लगे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग, सीसीटीवी के माध्यम से हर एक व्यक्ति की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके लिए मंदिर की सुरक्षा को भी बढ़ाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, मंदिर के पूरे सिक्योरिटी प्लान को सुदृढ़ करने का जो निर्देश प्राप्त हुआ था शीर्ष स्तर से, उसके लिए लगातार कार्रवाई चल रही है और पूरे जनपद में सिक्योरिटी सिस्टम को पुनः अवलोकित करते हुए उसमें सुदृढ़ बनने का प्लान बना रहे हैं। जैसे ये सूचना आप दे रहे हैं और हर एक पहलू पे कार्ययोजना बना के कार्य किया जा रहा है और आवागमन के लिए सतर्कता जो बरतनी है, लोगों इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मॉनिटरिंग करनी है, कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग करनी है, सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से काम किया जा रहा है और हर एक घटक को गहराई में देखते हुए प्लान बना के कार्य किया जा रहा है। सर, दो दिन पहले ज्यादा तादाद में नेपाल के मुस्लिम लोग मदरसे का चंदा गोरखपुर गोलघर में काट रहे थे, मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं मिली थी और उसके बारे में अभी तहकीकात हो रही है, जब इसके जड़ तक जाके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।